ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव जीके हमारा जो टेस्ट चल रहा है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा, जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर, डेली रात 9 बजे आपका क्लास ये चलता है, ठीक है। कल भी क्लास हुआ था, आज भी क्लास हुआ था, तो क्लास को शुरू से एंड तक देखिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं। और सभी लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है। जो लोग वीडियो को बाद में देखेंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। जितने क्वेश्चन हैं आपको लास्ट तक देखना है, उन क्वेश्चन का आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया। मान लीजिए 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए आपका 40 सही होता है तो आपको बताना है कि 40/50, या जैसे भी आप बता सकते हैं, आपको बताना है कितने क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, तो कल मैंने आपको 100 क्वेश्चन तक करा दिया था। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएंगे। तो 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी चांदी का उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है बी, मेक्सिको। जल्दी जल्दी उत्तर देना आप सभी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसरो की बात हो रही है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1969 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इसका उत्तर है सी, दादा भाई नेरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है बी, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत का हिस्सा कभी नहीं था? इसका उत्तर है ईरान, ठीक है। ईरान भारत का हिस्सा कभी भी नहीं था। म्यांमार था, नेपाल था, अफगानिस्तान था, ठीक है। अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो ये तीनों थे, लेकिन ईरान का कहीं भी जो है भारत के साथ जिक्र नहीं है, कंट्री साझा करने के साथ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ था? इसका उत्तर है सी, 2014 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है बी, 1945 में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई थी? इसका उत्तर है 1872 में। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी? इसका उत्तर है डी, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? इसका उत्तर है सूरत। यहां पर सीधा बोल रहा है, अंग्रेजों की बात कर रहा है।
अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है बी, मोहम्मद गोरी को। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका उत्तर है बी, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है बी, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इसका उत्तर है बी, कोच्चि में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। डेली रात 9 बजे आपका क्लास चलता है, ठीक है, डेली रात 9 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ए, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये छोटो नहीं है, यहाँ पर छोटा है। वेरी गुड, वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी सही है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग सही उत्तर है, सी। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, सॉरी करते हैं, अब वो तो करते ही थे बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। इसका उत्तर है पशुपति, पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपति जी। अगला क्वेश्चन, शहीदी कुआं किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है बी, पंजाब में, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? सबसे पुराना स्मारक, इसका उत्तर है डी, अजंता गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या कानून कब लागू हुआ था, सॉरी कानून कब से लागू हुआ था? अठारह सौ छप्पन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल किस सन में चली? इसका उत्तर है 1853, बॉम्बे से ठाणे। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। डेली रात 9 बजे आप लोगों का क्लास चलता है, ठीक है, डेली रात 9 बजे लाइव जीके क्लास चलता है, पार्टिसिपेट ज़रूर करें।
और पुराने वीडियोस को जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देख लें। रंगनाथ स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, यानी कि आरएसएस, आरएसएस, ठीक है। अब संघ का यूनियन भी होता है, ठीक है। इसका उत्तर है केशव बलिराम, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, शिवसेना का संस्थापक किसे माना जाता है, बाल ठाकरे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, त्रिग्वेलाई डैम हैमर्श जोल्ड यूथेंड और करंट वाल्ड हेम ये कौन थे। ये चार व्यक्ति हैं, त्रिग्वे डैग यूथेंड और कार्ट, ये चार व्यक्ति हैं, ये कौन थे। इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र के जनरल सचिव, ठीक है, यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम के पिता का क्या नाम था, इसका उत्तर है डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, इसका उत्तर है ए नागपुर, भारत में। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम नीति का गठन कब किया गया था, इसका उत्तर है डी 1987 में। अगला क्वेश्चन, बापू नामक पुस्तक की रचना किसने की, इसका उत्तर है घनश्याम दास बिड़ला ने। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का दर्जा कब दिया गया, इसका उत्तर है ए 1956 में। अगला क्वेश्चन, पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया, इसका उत्तर है बी 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन, जनरल सिंह भिंडरांवाले को समाप्त करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, इसका उत्तर है सी ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला क्वेश्चन, 12वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र का सांसद कौन था, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, आप लोगों को बताना है, उत्तर प्रदेश वाले बता सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। इसका उत्तर है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, इसका उत्तर है डी कैलाश सत्यार्थी को। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर है बी 31 मई को। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इसका उत्तर है सी नारायण मल्हार जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसे दुनिया में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने के लिए जाना जाता है, इसका उत्तर है बी एडमंड हिलेरी। यहां पर पूछ रहा है दुनिया में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने के लिए, तो एडमंड हिलेरी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोहरे
गड्ढे वाले शौचालय का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका उत्तर है भारत, इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रजनीकांत अरोल ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका उत्तर है समाज सेवा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है बी, मुकेश अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वे बिल इनमें से किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया? इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए मैंने 147 क्वेश्चन करा दिया है, आज आप लोगों को वीडियो मिला होगा, तो इस समय मैं यात्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा, और जो लोग भी वीडियो को लास्ट में देख रहे होंगे लाइव क्लास के बाद, ठीक है, प्रीमियर क्लास के बाद, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं बाद में आप लोगों के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है, और डेली रात 9 बजे आपका क्लास चलता है, तो क्लास करने ज़रूर आया करिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर किया करिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है, अब क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।